हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मोनिकास 27 में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पेंसिल वर्क स्टार्ट किया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे आज हम बनाएंगे एक लिटिल बर्ड, लिटिल स्पैरो। तो देखने के लिए कि कैसी बनेगी, जुड़े रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। तो आज हम बना रहे हैं एक स्पैरो। इसके लिए हमें बनाना होगा एक सर्कल। एक सर्कल बनाइएगा सबसे पहले। ये हमने बनाया एक सर्कल, फ्री हैंड ये बनाना है आपको भी। इसके लिए कंपास की नीड नहीं है, आप फ्री हैंड बना सकते हैं इतना सर्कल। तो उसके ऊपर हमें एक और सर्कल बनाना है, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल और। ये देखिए, हमने दोनों सर्कल बना लिए हैं। अब हमें इसकी पीक बनानी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल को अटैच करेंगे आउटलाइन से ऐसे। ये देखिए, ऐसे इन दोनों को अटैच करेंगे और फिर देखिए इसकी बर्ड जैसी, स्पैरो जैसी शेप हो जाएगी। ये हमने इसको ऐसे किया। यहाँ इसके पंख बनाना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। आप भी ऐसे बनाइएगा इसको। और एक यहाँ से बनाते हैं, देखिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लेके आएंगे शेप को और इसको इतना रखेंगे और फिर ये शिफ्ट करते हैं। इसके बाद हम इसकी टेल भी बनाएंगे यहाँ से ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने सर्कल बनाया है उसको इरेज करेंगे। देखिए, ये जो हमने सर्कल अंदर बनाया था इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें एक प्रॉपर शेप में इसके स्पैरो की। देखिए, हमने सर्कल को इरेज कर लिया है और अब हम इसमें इसकी पीक बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अब हम इसकी चोंच बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल छोटी सी चोंच बनाई हमने ऐसे, और फिर यहाँ पे शेडिंग करते चलेंगे ऐसे ऐसे। देखिएगा ऐसे, और हमें पीक के अंदर भी तो शेडिंग करनी है ऐसे। और फिर यहाँ पे बनाएंगे इसकी आईज, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही शेडिंग करेंगे हल्के हल्के। इसके बाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। और यहाँ से हम इसके बालों का फ्लो जो है वो नीचे की तरफ करेंगे ऐसे। और यहाँ पे जो हमने ये शेप बनाई है, यहाँ से ये ऐसे इसको ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको थोड़ा डार्क करेंगे ऐसे। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही रफली थोड़ा थोड़ा बाल जैसे बना लेते हैं इसके। और फिर हम यहाँ पे भी इस पंख से लेकर, यहाँ से लेकर एक पंख बना लेते हैं इस शेप में, इसको भी थोड़ा डार्क करेंगे हम। और यहाँ पे भी हम इसके बाल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे भी ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें बाल, देखिए ऐसे। और इसकी टेल जो है इसमें भी हमें शेडिंग करनी है ऐसे हल्की हल्की। देखिए, हम पूरी में ऐसे ऐसे बाल बनाएंगे इसमें ऐसे, बिल्कुल ऐसे करना है आपको भी। ये देखिएगा, फिर हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें वाइटनिंग निकालेंगे, तब इसका इफेक्ट देखिएगा। पहले इसका स्टैंड बना लेते हैं हम, जिस पे ये बैठी हुई है ऐसे यहाँ से। और इसके अंदर एक सर्कल, सर्कल के अंदर भी हमें ऐसा दिखाना है कि हमने एक रस्सी बांधी हुई है, वो भी बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे ऐसे। और फिर उसके अंदर से ऐसे ये ऐसे। अब देखिए, इसके अंदर भी हमें ऐसे लाइन शो करनी है, ये देखिए ऐसे। और अब हमने जो इसके अंदर ये सर्कल जो बनाया है इसको थोड़ा डार्क करेंगे। और अब हम इसमें हल्की हल्की शेडिंग कर देते हैं, इनको मिक्स करते चलेंगे लाइंस को। ये देखिए, हमें अलग से शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, पेपर स्टम्प से अपने आप हो जाती है। ये देखिए ऐसे, और करेंगे भी कुछ ऐसे ही जैसे कि ऐसा लगे कि हमें वाइटनिंग हमने निकाल रखी है, हमें निकाल लेना पड़े बाद में भी। देखिए, इसको थोड़ा ब्लेंड करते हैं अच्छे से। ये हमने रोप बनाई है ऐसे, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको प्रॉपर शेप देते हैं और इसका रस्सी जैसा लुक लेके आते हैं हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं इसमें लाइंस। देखिए ऐसे, ये लगनी चाहिए कि एक रस्सी है जो हमने इसके ऊपर बांधी हुई है। इसकी शेडिंग जो है थोड़ी डार्क कर देते हैं। देखिए ऐसे, अब हम अपनी जो बर्ड हमने बनाई है इसके अंदर शेडिंग देना स्टार्ट करते हैं। हल्की हल्की देंगे, जिससे कि इसके बाल जो वो पूरे भी मिक्स ना हो, दिखे भी और अच्छा भी लगे। देखिए ऐसे ऐसे, इसी फ्लो में आपको मिक्स करना है इसको, जिस फ्लो में इसके बाल हैं ऐसे। इसे आप भी करिएगा
लेकिन जब ये मिक्स हो जाता है तो इसकी जो लाइंस जो है वो सही दिखती है। ये देखिए ऐसे ऐसे ही आपको इसकी टेल भी मिक्स करनी है। और अब इसके हम ना बाहर थोड़ी शेडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे वो भी पेपर स्टम्प से ऐसे कर लेते हैं, अलग से पेंसिल से करने की नीड नहीं है क्योंकि पेपर स्टम्प पहले इतना ब्लैक हो रहता है आगे से, इससे शेडिंग अपने आप हो जाती है जब हम करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऐसे हमने इसके बाहर भी शेडिंग कर ली। देखिए बाहर शेडिंग करने का ये फ़ायदा है कि जब हम बाहर शेडिंग करते हैं तो अगर हम इसके अंदर वाइटिंग निकालेंगे तो अच्छे से दिखेगी, अदरवाइज़ वाइट पेपर पे वाइटनिंग तो अच्छे से दिखेगी नहीं, इसीलिए हमें इसके बैकग्राउंड को बनाना पड़ता है। देखिए ऐसे हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, आप चाहे तो कॉटन से भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जो भी मिक्सिंग करनी है ऐसे कॉटन से बिल्कुल स्मूथ हो जाती है हमारी जो शेडिंग होती है ऐसे। और अब देखिए हम वाइटनिंग निकालना स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसके फेस में निकालते हैं इस टाइप से, जिस वे में हमने इसके बाल बनाए हैं उसी वे में आप वाइटनिंग निकालिए ऐसे। देखो ऐसे यहाँ से भी वाइटनिंग निकालेंगे ऐसे, और फिर यहाँ भी हमें वाइटनिंग निकालनी है ऐसे। ये हमें नेक बनाई थी हमने इसकी, यहाँ पे भी और इसके विंग्स में भी हमें ऐसे वाइटनिंग देनी है, और यहाँ पे इसी से हमें ऐसे इसकी टेल में भी और हल्का हल्का हम यहाँ भी कर लेते हैं ऐसे। देखिए हमने वाइटनिंग निकाल ली है और अब हम जो शेडिंग हमें डार्क करना है इसको डार्क कर लेते हैं हल्का हल्का ऐसे। ये देखिए ऐसे ही आपको करना है। और अब हम इसकी जो आउटलाइन है इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए बोल्ड इसीलिए कर रहे हैं ताकि अलग दिखना तो चाहिए ना कि हमने अलग से आउटलाइन दी हुई है, अदरवाइज़ तो सब कुछ मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा कि हम बना क्या रहे थे बन क्या गया, इसीलिए देखिए ऐसे कहीं कहीं आपको बोल्ड करना है तो इसकी जो बाल हम बना रहे थे इसको बोल्ड कर सकते हैं ऐसे। और अब थोड़ा और वाइटनिंग निकाल लेते हैं ऐसे, तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा बनाइएगा बहुत सुंदर बनेगी हमारी बाल। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ भी हल्का हल्का आउटलाइन देते हैं ऐसे, और फिर वाइटनिंग निकाल देते हैं ऐसे, यहाँ भी थोड़ी सी वाइटनिंग और देते हैं। ये देखिए ऐसे, तो ये वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ही। ये हमारी जो बॉल है वो कंप्लीट हो गई है, देखिए ऐसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। फॉर मोर वीडियोज़ कनेक्ट विद अस, थैंक यू।